नमस्कार, आप देख रहे हैं एमसीडी न्यूज़ और आज स्वामी विवेकानंद की जयंती है। इस मौके पर पूरे देश में राष्ट्रीय युवा दिवस मनाया जा रहा है। आज संसद में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी में आज एक राष्ट्रीय संसद युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें देश भर के प्रतिभागियों ने जो एक विषय था लोकल फॉर वोकल पर एक संवाद प्रस्तुत कराया गया था। ये प्रतियोगिता हुई थी और इसमें तमाम प्रतिभागियों ने आज युवा संसद महोत्सव में हिस्सा लिया और ख़ासतौर पर जो तीन प्रतिभागी थे, प्रथम द्वितीय और तृतीय पुरस्कार के विजेता थे, जिन्होंने लोकल फॉर वोकल विषय पर बेहतरीन जिले संवाद के लिए पुरस्कार दिए गए थे। आज इन्हीं तीनों विजेताओं ने प्रधानमंत्री के समक्ष अपना संवाद पेश प्रस्तुत किया। इसमें सबसे जो प्रथम आई हैं उत्तर प्रदेश की मुदिता मिश्रा और महाराष्ट्र की अयति मिश्रा और साथ में सिक्किम के अविराम को तृतीय स्थान मिला है। आज प्रधानमंत्री ने इन तीनों विजेताओं के भाषण को बहुत पसंद किया और उन्होंने कहा कि आज इन युवाओं की आवाज़ सुनकर ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में नई उम्मीद का संचार हो रहा है, नई संभावनाएं पैदा हो रही हैं। आइए सबसे पहले हम सुनते हैं उत्तर प्रदेश की मुदिता मिश्रा को, जिन्हें इस प्रतियोगिता में प्रथम स्थान मिला है और उन्होंने अपने पूरे भाषण के दौरान जिस तरह की उन्होंने भाषा और ये एक और जिस तरह की उन्होंने एक भाषा और एक बेहतरीन उन्होंने एक संवाद प्रस्तुत किया लोकल फॉर वोकल विषय पर। आइए पहले सुनते हैं मुदिता मिश्रा का भाषण, बाद में और जो प्रतिभागी हैं उनके संवाद भी आपको सुनाएंगे। और अब आ रही है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 की प्रथम विजेता उत्तर प्रदेश की मुदिता मिश्रा। वरिष्ठ हैं, विशिष्ट हैं, विकास पुंज निष्ठ हैं, समग्र सृष्टि प्रष्टि के जगत गुरु वशिष्ठ हैं, ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मंचस्थ महानुभाव एवं यहां पर उपस्थित युवा शक्ति। मुदिता मिश्रा, उत्तर प्रदेश, वोकल फॉर लोकल विषय पर विचार अभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूं। मेरी मातृभूमि भारत, जो मानव सभ्यता के इतिहास की आरंभिक 3 सहस्राब्दियों अर्थात 3000 वर्षों के लगभग संपूर्ण कालखंड में विश्व भर की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था रही, जिसकी सिंधु सभ्यता की समृद्धि का शोर मेसोपोटामिया और मिस्र ने सुना, जिसके उत्पादों व हस्तशिल्प का डंका पूरे रेशम मार्ग में बजता था और जिसके पश्चिमी तट समुद्री मार्गों के जरिए पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की धुरी बन गए, वही भारत आज फिर जाग उठा है सिंधु सभ्यता सी भव्यता के साथ, विक्रमादित्य के विक्रम और चाणक्य के बुद्धि विवेक के साथ। जाग उठा है विश्व भर को हतप्रभ कर देने वाली चेतना और क्रांति के साथ। भारत जाग उठा है मेरे, आपके, हम सभी के भीतर। महोदय, हाल के कुछ दिनों में वोकल फॉर लोकल के महामंत्र के साथ जब हमने दीपावली के दिए पास के रमुआ के चाक से खरीदे, जब हमने लोकल सप्लाई चेन पर भरोसा दिखाया, जब हमने किसी बाहरी ब्रांड के वस्त्रों की जगह खादी के न्यू फैशन स्टाइल गारमेंट्स को वरीयता दी, तभी बड़ी तीव्र गति से देश का रथ बढ़ चला विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर। वस्तुतः प्रकृति ने भारतवर्ष को अनेकानेक संसाधनों व लाभांशों का उपहार दिया है, यह स्थिति भारत के उत्पादों को एक बेहतर आधार प्रदान करती है। ऐसे में जब वोकल फॉर लोकल की चेतना के साथ हम 125 करोड़ लोग भारतीय उत्पादों के साथ खड़े हो गए हैं, तो अब एक सकारात्मक चक्र उत्पन्न होगा, जो विनिर्माण, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर सेक्टर तथा सर्विस सेक्टर उत्पादकों को टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा स्टेट ऑफ द आर्ट से जोड़ेगा और इस तरह भारत के उत्पाद गुणवत्ता की दृष्टि से उत्तरोत्तर प्रगति करते चले जाएंगे और विश्व में स्थापित होंगे नए कीर्तिमान। वह दिन दूर नहीं जब हमारे लोकल उत्पाद ग्लोबल होंगे। मित्रों, यहां तो सर्वविदित है कि एक कुशल नेतृत्व तथा सभी देशवासियों की चेतना ने वैश्विक परिदृश्य पर योग को आज एक अद्भुत स्थान पर स्थापित कर दिया है। आयुर्वेद व पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। भारत में पारंपरिक स्वास्थ्य विज्ञान हेतु पर्यटन की अपार संभावनाएं सृजित हो चुकी हैं। ये परिणाम हमें प्रेरित करते हैं, तो क्यों ना हर भारतीय हमारे लोकल उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। चलिए हम मिलकर ब्रांडिंग करते हैं पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम और वाराणसी की गुलाबी मीनाकारी की। चलिए मिलकर वोकल होते हैं गुजरात के टांगलिया शॉल और गोवा के खाजे के लिए।
चलिए अपने घरों को सजाते हैं बिहार की मधुबनी या अरुणाचल की तांखा पेंटिंग से। चलिए इस बार किसी एनआरआई फ्रेंड को गिफ्ट करते हैं तेलंगाना की पोचमपल्ली इकत साड़ी या ओडिशा के आदिवासियों की सरलता व सुंदरता से भरी कोटपाल हैंडलूम फैब्रिक। खरीदारी किसी मॉल में हो या ई कॉमर्स साइट्स पर, चलिए सबसे पहले देखते हैं मेड इन इंडिया का लेबल। चलिए बनाते हैं भारतवर्ष को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति। अंत में वैचारिक पटाक्षेप करने से पूर्व आह्वान करना चाहती हूँ, यह पवन परम अनुकूल देख, यह देख भुजा का बल अथाह, तू चले बेड़ियां तोड़ कहीं, रोकेगा आकर कौन राह। डगमग धरणी पर दमित तेज, सागर पारे सा उठे डोल, उठ जाग समय अब शेष नहीं, भारत माँ के शार्दूल बोल। धन्यवाद, जय हिंद, जय माँ भारती। तो ये थी उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की मुदिता मिश्रा, जो पीपीएन डिग्री कॉलेज में पढ़ती हैं, बीए तृतीय वर्ष की वो छात्रा हैं। और पूरे देश में ये कंपटीशन करवाया गया था, देश के कई लाख बच्चों ने इसमें पार्टिसिपेट किया था। ये युवा महोत्सव जो जिसका कि आयोजन किया गया, इसमें लोकल फॉर वोकल पर अपना एक बहुत ही धारा प्रवाह भाषण प्रस्तुत किया मुदिता मिश्रा ने, बेहतरीन भाषण। आइए एक बार फिर से सुनते हैं मुदिता मिश्रा का ये भाषण जो उन्होंने लोकल फॉर वोकल यानी कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक देश के तमाम हिस्सों का उन्होंने जिक्र किया, जो लोकल कारीगरी उसको किस तरह से बढ़ावा दिया, इसके बारे में एक बहुत ही धारा प्रवाह उन्होंने एक संवाद प्रस्तुत किया जिसे प्रधानमंत्री ने भी बहुत पसंद किया। आइए एक बार फिर से सुनते हैं मुदिता मिश्रा को। और अब आ रही है राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव 2021 की प्रथम विजेता उत्तर प्रदेश की मुदिता मिश्रा। वरिष्ठ हैं, विशिष्ट हैं, विकास पुंज निष्ठ हैं, समग्र सृष्टि पृष्टि के जगत गुरु वशिष्ठ हैं, ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मंचस्थ महानुभाव एवं यहां पर उपस्थित युवा शक्ति। मुदिता मिश्रा, उत्तर प्रदेश, वोकल फॉर लोकल विषय पर विचाराभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूं। मेरी मातृभूमि भारत, जो मानव सभ्यता के इतिहास की आरंभिक 3 सहस्राब्दियों अर्थात 3000 वर्षों के लगभग संपूर्ण कालखंड में विश्व भर की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था रही, जिसकी सिंधु सभ्यता की समृद्धि का शोर मेसोपोटामिया और मिस्र ने सुना, जिसके उत्पादों व हस्तशिल्प का डंका पूरे रेशम मार्ग में बजता था और जिसके पश्चिमी तट समुद्री मार्गों के जरिए पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की धुरी बन गए, वही भारत आज फिर जाग उठा है। जाग उठा है सिंधु सभ्यता से भव्यता के साथ, विक्रमादित्य के विक्रम और चाणक्य के बुद्धि विवेक के साथ। जाग उठा है विश्व भर को हतप्रभ कर देने वाली चेतना और क्रांति के साथ। भारत जाग उठा है मेरे, आपके, हम सभी के भीतर। महोदय, हाल के कुछ दिनों में वोकल फॉर लोकल के महामंत्र के साथ जब हमने दीपावली के दिए पास के रमुआ के चाक से खरीदे, जब हमने लोकल सप्लाई चेन पर भरोसा दिखाया, जब हमने किसी बाहरी ब्रांड के वस्त्रों की जगह खादी के न्यू फैशन स्टाइल गारमेंट्स को वरीयता दी, तभी बड़ी तीव्र गति से देश का रथ बढ़ चला विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर। वस्तुतः प्रकृति ने भारतवर्ष को अनेकानेक संसाधनों व लाभांशों का उपहार दिया है, यह स्थिति भारत के उत्पादों को एक बेहतर आधार प्रदान करती है। ऐसे में जब वोकल फॉर लोकल की चेतना के साथ हम 125 करोड़ लोग भारतीय उत्पादों के साथ खड़े हो गए हैं, तो अब एक सकारात्मक चक्र उत्पन्न होगा, जो विनिर्माण, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर सेक्टर तथा सर्विस सेक्टर उत्पादकों को टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा स्टेट ऑफ द आर्ट से जोड़ेगा, और इस तरह भारत के उत्पाद गुणवत्ता की दृष्टि से उत्तरोत्तर प्रगति करते चले जाएंगे और विश्व में स्थापित होंगे नए कीर्तिमान। वह दिन दूर नहीं जब हमारे लोकल उत्पाद ग्लोबल होंगे। मित्रों, यहां तो सर्वविदित है कि एक कुशल नेतृत्व तथा सभी देशवासियों की चेतना ने वैश्विक परिदृश्य पर योग को आज एक अद्भुत स्थान पर स्थापित कर दिया है। आयुर्वेद व पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। भारत में पारंपरिक स्वास्थ्य विज्ञान हेतु पर्यटन की अपार संभावनाएं सृजित हो चुकी हैं। ये परिणाम हमें प्रेरित करते हैं, तो क्यों ना हर भारतीय हमारे लोकल उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। चलिए
हम मिलकर ब्रांडिंग करते हैं पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम और वाराणसी की गुलाबी मीनाकारी की। चलिए मिलकर वोकल होते हैं गुजरात के टांगलिया शॉल और गोवा के खाजे के लिए। चलिए अपने घरों को सजाते हैं बिहार की मधुबनी या अरुणाचल की तांखा पेंटिंग से। चलिए इस बार किसी एनआरआई फ्रेंड को गिफ्ट करते हैं तेलंगाना की पोचमपल्ली इकत साड़ी या ओडिशा के आदिवासियों की सरलता व सुंदरता से भरी कोटपाल हैंडलूम फैब्रिक। खरीदारी किसी मॉल में हो या ई कॉमर्स साइट्स पर, चलिए सबसे पहले देखते हैं मेड इन इंडिया का लेबल। चलिए बनाते हैं भारतवर्ष को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति। अंत में वैचारिक पटाक्षेप करने से पूर्व आह्वान करना चाहती हूँ, यह पवन परम अनुकूल देख, यह देख भुजा का बल अथाह, तू चले बेड़ियां तोड़ कहीं, रोकेगा आकर कौन राह। डगमग धरणी पर दमित तेज, सागर पारे सा उठे डोल, उठ जाग समय अब शेष नहीं, भारत माँ के शार्दूल बोल। धन्यवाद, जय हिंद, जय मां भारती। उत्तर प्रदेश की मुदिता मिश्रा, जिन्होंने लोकल फॉर वोकल में पर विषय पर हिंदी में संवाद प्रस्तुत किया। अब आइए सुनते हैं महाराष्ट्र की अयति मिश्रा, जिन्होंने अंग्रेजी भाषा में इसी विषय पर बेहतरीन संवाद प्रस्तुत किया, जिसकी तारीफ की प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। रही है द्वितीय पुरस्कार विजेता अयति मिश्रा महाराष्ट्र से। पाथवे टू ट्रांसफॉर्म इंडिया इंटू एन इकोनॉमिक सुपर पावर, एन इनिशिएटिव दैट इज अ परफेक्ट ब्लेंड ऑफ द स्वदेशी एंड मेक इन इंडिया कैंपेन्स। ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर सर, ऑनर्ड गेस्ट्स एंड डिग्निटरीज, दिस इज अयति मिश्रा फ्रॉम महाराष्ट्र स्पीकिंग ऑन द टॉपिक वोकल फॉर लोकल। This initiative aims to encourage each and every citizen of the nation to endorse local and made in India products, not only by purchasing them, but also by promoting them with pride and dignity. I firmly believe that this initiative would transform India into an economic superpower. But how? The fiscal stimulus of 20 lakh crore has helped MSMEs and local industries restart their businesses after the COVID crisis, potentially providing employment to over 100 million people. With more employment, aggregate demand would increase, leading to increase in production and subsequent increase in our GDP. Thus, a robust startup ecosystem would be created. With sustained quality and competitive pricing, local brands may become national brands and further aspire to become global brands, thereby strengthening brand India. This initiative shall have a direct bearing on reducing import dependency and maximizing exports of those products where India has a comparative advantage, thereby earning foreign exchange. Through this initiative, India can become the center of the global supply chain, and our vision of a $5 trillion economy shall undoubtedly translate into reality. To realize our dream of vocal for local and Atmanirbhar Bharat, I suggest the following: adequate emphasis on education, skill development and training, establishment of production centers and proper infrastructure, incentivization of innovation in R&D, and usage of innovative strategies and digital tools by local brands for marketing and advertising. Just like our spiritual leaders, we, the youth, should become the torchbearers of this initiative. Endeavor to preserve our rich cultural heritage and take inspiration from youth like Kuznis Angmo, the 29-year-old from Ladakh who takes local Ladakhi products to an international level, Disha Singh who promotes Indian handicrafts through her startup, and many, many more. Even through the COVID crisis, the grit and determination of our local enterprises catapulted India towards becoming the second largest manufacturer of PPE kits and one of the prime exporters of masks and PPE kits. Swadeshi sirf ek shabd nahi, yah hamari pehchan hai. Aaj jo bhi bade videshi brands hain, wo bhi to kabhi local the. Local par vocal hokar hi wo aaj bade bane. To kyun na aaj hum sab bhi yah formula apnaye. लोकल पर वोकल होकर भारतीय ब्रांड्स को बड़ा बनाएं, भारतीय संस्कृति को विश्व भर में उजागर करें,
एवं भारतीय अर्थव्यवस्था को एक नया आयाम दे। तो आए आज हम सब मिलकर यह दृढ़ संकल्प लें कि हम एक नए एवं आत्मनिर्भर भारत का निर्माण करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। तो ये थी महाराष्ट्र की ऐति मिश्रा। आइए अब सुनते हैं सिक्किम के अविराम को, जिनको इस प्रतियोगिता में तृतीय स्थान मिला। उन्होंने प्रधानमंत्री के समक्ष अपना संवाद प्रस्तुत किया। जिनका कल यहाँ इस केंद्रीय कक्ष में संभाषण हुआ और निर्णायक मंडल ने आंकलन कर तीन विजेताओं का चयन किया। अब वे आपके समक्ष अपने विचार व्यक्त करेंगे और श्रृंखला में सबसे पहले आ रहे हैं तृतीय पुरस्कार विजेता अविनाम मंगर सिक्किम से। जो बदल दे हवा का रूह भी बाह शक्ति से, जो बदल दे देश की सूरत हिम्मत और लगन से, हे वो युवा जो करते सपनों को हकीकत अपने जज्बे व सपनों के दम पे। Honorable Prime Minister, sir, honored guests and dignitaries, and my dear brothers and sisters, I am Avinam, proudly representing the state of Kanchenjunga, Sikkim. An initiative launched by our Honorable Prime Minister amidst the pandemic to make India an economic superpower was Atmanirbhar Bharat and be vocal for local. This initiative will make India's local market highly globally integrated, which will witness foreign investors. Be vocal for local is will not just only develop economy, but will also work for the welfare of the society. Therefore, it's economy plus welfare. Under vocal for local, market localization will help us conserve and preserve our culture and heritage, and also help us in doubling and multiplying the tribal economy. Digital India initiative can power Be Vocal for Local initiative. Instagram and Facebook could be the new global market where local vendors and sellers could reach out to the entire world. To contribute to the policy, quality assurance cell could be established to ensure that the quality is met to the global expectations. Empowering women by empowering the cottage industry, mainly knitting, crocketing, handloom and handicrafts. Sikkim under this scheme has a huge ocean of possibilities. As an organic state, small farmers and farm outlets could also have huge market value internationally. Apam api sakam pachanasya sukham vai magavan grihe arjitam svena viryena navyaprashita kanchanam. The one who is self-reliant is the happiest, and to make India self-reliant, Be Vocal for Local is the antidote. And this antidote could be made possible by the youths. Swami Vivekananda says, the future lies in the youths of character and skill. And to bring about the youths of character and skill, the government of India has already launched various schemes under the leadership and guidance of our Prime Minister. Some of them are Prime Minister Financial Empowerment Scheme, Make in India, Made in India, Prime Minister Kaushal Vikas Yojana, Fit India, Prime Minister New Entrepreneur Startup in India, and with the new Education Policy 2020, we shall surely have youths of character and skill. Sri Satya Sai Baba writes, politics without principle, education without character, and commerce without morality is not just useless, but positively dangerous. So my dear brothers and sisters and the youths of this magnanimous country, it's time to raise our flag, the tricolor flag, and to sing the song which unites the 1.5 billion people of our motherland, and to celebrate the unique culture, diversity and language which binds us as Ek Bharat, Shrestha Bharat. And the new India shall witness youth who are vocal for local and shall speak in the language of compassion, tolerance, love and equanimity. And with sustainability, let us achieve a clean and healthy India. Vande Mataram, Jai Hind, Jai Bharat. तो ये थे सिक्किम के अविराम, जिन्हें तृतीय पुरस्कार मिला। और चलते चलते हम आपको एक बार फिर
उत्तर प्रदेश की मुदिता मिश्रा के एक धारा प्रवाह संवाद के साथ छोड़ जाते हैं, जिसको जिसकी पूरे देश में इसमें तारीफ हो रही है। मुदिता मिश्रा। संसद महोत्सव 2021 की प्रथम विजेता उत्तर प्रदेश की मुदिता मिश्रा। वरिष्ठ हैं, विशिष्ट हैं, विकास पुंज निष्ठ हैं, समग्र सृष्टि पृष्टि के जगत गुरु वशिष्ठ हैं, ऐसे हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी, मंचस्थ महानुभाव एवं यहां पर उपस्थित युवा शक्ति। मुदिता मिश्रा, उत्तर प्रदेश, वोकल फॉर लोकल विषय पर विचाराभिव्यक्ति हेतु उपस्थित हूं। मेरी मातृभूमि भारत, जो मानव सभ्यता के इतिहास की आरंभिक 3 सहस्राब्दियों अर्थात 3000 वर्षों के लगभग संपूर्ण कालखंड में विश्व भर की सबसे समृद्ध अर्थव्यवस्था रही, जिसकी सिंधु सभ्यता की समृद्धि का शोर मेसोपोटामिया और मिस्र ने सुना, जिसके उत्पादों व हस्तशिल्प का डंका पूरे रेशम मार्ग में बजता था और जिसके पश्चिमी तट समुद्री मार्गों के जरिए पूरे विश्व की अर्थव्यवस्था की धुरी बन गए, वही भारत आज फिर जाग उठा है। जाग उठा है सिंधु सभ्यता की भव्यता के साथ, विक्रमादित्य के विक्रम और चाणक्य के बुद्धि विवेक के साथ। जाग उठा है विश्व भर को हतप्रभ कर देने वाली चेतना और क्रांति के साथ। भारत जाग उठा है मेरे, आपके, हम सभी के भीतर। महोदय, हाल के कुछ दिनों में वोकल फॉर लोकल के महामंत्र के साथ, जब हमने दीपावली के दिए पास के रमुआ के चाक से खरीदे, जब हमने लोकल सप्लाई चेन पर भरोसा दिखाया, जब हमने किसी बाहरी ब्रांड के वस्त्रों की जगह खादी के न्यू फैशन स्टाइल गारमेंट्स को वरीयता दी, तभी बड़ी तीव्र गति से देश का रथ बढ़ चला विश्व की सबसे बड़ी आर्थिक महाशक्ति बनने की ओर। वस्तुतः प्रकृति ने भारतवर्ष को अनेकानेक संसाधनों व लाभांशों का उपहार दिया है, या स्थिति भारत के उत्पादों को एक बेहतर आधार प्रदान करती है। ऐसे में जब वोकल फॉर लोकल की चेतना के साथ हम 125 करोड़ लोग भारतीय उत्पादों के साथ खड़े हो गए हैं, तो अब एक सकारात्मक चक्र उत्पन्न होगा, जो विनिर्माण, हार्डवेयर एवं सॉफ्टवेयर सेक्टर तथा सर्विस सेक्टर उत्पादकों को टेक्नोलॉजिकल इनोवेशंस, रिसर्च एंड डेवलपमेंट तथा स्टेट ऑफ द आर्ट से जोड़ेगा, और इस तरह भारत के उत्पाद गुणवत्ता की दृष्टि से उत्तरोत्तर प्रगति करते चले जाएंगे और विश्व में स्थापित होंगे नए कीर्तिमान। वह दिन दूर नहीं जब हमारे लोकल उत्पाद ग्लोबल होंगे। मित्रों, यहां तो सर्वविदित है कि एक कुशल नेतृत्व तथा सभी देशवासियों की चेतना ने वैश्विक परिदृश्य पर योग को आज एक अद्भुत स्थान पर स्थापित कर दिया है। आयुर्वेद व पारंपरिक चिकित्सा के क्षेत्र में भी पूरा विश्व भारत की ओर देख रहा है। भारत में पारंपरिक स्वास्थ्य विज्ञान हेतु पर्यटन की अपार संभावनाएं सृजित हो चुकी हैं। ये परिणाम हमें प्रेरित करते हैं, तो क्यों ना हर भारतीय हमारे लोकल उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर बन जाए। चलिए हम मिलकर ब्रांडिंग करते हैं पश्चिम बंगाल के हिमसागर आम और वाराणसी की गुलाबी मीनाकारी की। चलिए मिलकर वोकल होते हैं गुजरात के टांगलिया शॉल और गोवा के खाजे के लिए। चलिए अपने घरों को सजाते हैं बिहार की मधुबनी या अरुणाचल की तांखा पेंटिंग से। चलिए इस बार किसी एनआरआई फ्रेंड को गिफ्ट करते हैं तेलंगाना की पोचमपल्ली इकत साड़ी या ओडिशा के आदिवासियों की सरलता व सुंदरता से भरी कोटपाल हैंडलूम फैब्रिक। खरीदारी किसी मॉल में हो या ई कॉमर्स साइट्स पर, चलिए सबसे पहले देखते हैं मेड इन इंडिया का लेबल। चलिए बनाते हैं भारतवर्ष को एक वैश्विक आर्थिक महाशक्ति। अंत में वैचारिक पटाक्षेप करने से पूर्व आह्वान करना चाहती हूं, यह पवन परम अनुकूल देख, यह देख भुजा का बल अथाह, तू चले बेड़ियां तोड़ कहीं, रोकेगा आकर कौन राह। डगमग धरणी पर दमित तेज, सागर पारे सा उठे डोल, उठ जाग समय अवशेष नहीं, भारत माँ के शार्दूल बोल। धन्यवाद, जय हिंद, जय मां भारती।